हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम सीटेट 2019 के पेपर में पूछे गए एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पेपर हुआ आपका 8 दिसंबर 2019 को और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यानी लेवल वन का पेपर ये आपका हुआ है। इसमें देखते हैं, ये आपके पार्ट थर्ड में एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो जो सा साधन नहीं है वो है आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो यह है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, सेकेंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा पांचवी की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो इसमें आपका आंसर आएगा यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा वह उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसमें आपका आंसर आएगा थर्ड, कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करने हैं, तो इसमें मैच आएगा हांगकांग, हांगकांग में आपका आएगा पकाया हुआ सांप, केरल, केरल में आएगा किसी भी करी के साथ उबला टेपिकोआ, कश्मीर, कश्मीर में आपका आंसर आएगा सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो यह है मैना, फर्स्ट इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग अथनी सभी फैसले लेती है, तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो इसमें से पहले, दूसरे और तीसरे कथन सही है, ये आपका चौथा ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ये आपके कथन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनके छते कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है, ले में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए और सी, ये 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नगरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नगरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी थी? तो यह आपकी निकल के आएगी 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो यह है कर्णम मलेश्वरी, फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो यह है गाजर, चकुंदर और मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये आपके पहले तीन ABC करेक्ट है, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात में। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकंपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह कौन सा है? तो वह है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर आएगा, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में स्टीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। तो ये आपके तीनों होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स से ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक 450 मीटर की दूरी पर है दक्षिण में, तो वह बी पर जाते हैं। और फिर वह सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल में पहुंचते हैं जो सी से ठीक 90 मीटर की उत्तर में स्थित है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर की सही दिशा क्या है? तो अगर आपके हॉस्पिटल की माने तो हॉस्पिटल के इसमें आपका यह आएगा उत्तर पश्चिम, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नाच मिजोरम के लोग करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसमें आपका आंसर आएगा, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि? तो यह पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो इसमें आपका आंसर आएगा जानवर, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो यह है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें आपका आंसर आएगा ABC यानी सेकेंड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, 1 ABC आपके इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है?
तो इसमें आपका आंसर आएगा बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करना। तो ये तीनों सही है, तो आपका आंसर आएगा ए बी सी तीनों सही है, फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है, वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसमें ए बी सी ये तीनों आएंगे, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि, तो इसमें आपका आंसर आएगा बी और सी, तो फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर करता है। तो बी और सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ए और ए बी सी, यानी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो यह होता है ज्ञात से अज्ञात, फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।